वेलकम टू एजुकेट ऑल इंडियंस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए ईपीएफओ असिस्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। बहुत सारे बच्चे इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसके रिजल्ट आने की संभावना कब तक है और कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है और इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं पेपर का लेवल कैसा था और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। तो पहले की अगर हम पहले ही पिछले साल की कट ऑफ को देखें 2015 में, तो ये है रिटन एग्जाम की कट ऑफ। ये इधर से तो ये फाइनल सिलेक्शन है, इतने पे आपको ध्यान नहीं देना। ये कट ऑफ जनरल इतने नंबर गई थी कट ऑफ और तब पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था। ओबीसी इतनी गई थी 60.5, एससी 56, एसटी 54, पीएच जो है ये 51.5 और देखिए जो पीएच एचएच वाले हैं बच्चे उनके 44.5 गई थी। ठीक है, ये रिटन एग्जाम फाइनल सिलेक्शन इतने पे हुआ था। तो ये फाइनल सिलेक्शन की बात तो बात की है, अब हम बात कर लेते हैं इसका लेवल कैसा था पेपर का। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल्स आई थी, चार पजल्स आई थी, 20 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट थे लेवल। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे। सिलॉजम 4-5 क्वेश्चन थे, इजी थे। कोडिंग डिकोडिंग इजी थी। तो ओवरऑल मिला के रीजनिंग बहुत इजी थी और आसानी से बच्चे कर पा रहे थे क्वेश्चंस को। ठीक है, 35 क्वेश्चंस में आप 28 और 30 क्वेश्चंस आराम से कर सकते थे। ठीक है, बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रॉन्ग सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए थे, 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस और स्टेटमेंट इजी सारे थे, इजी टू मॉडरेट थे। और इसमें भी आप 30 क्वेश्चंस में आराम से 25 से क्वेश्चंस के आसपास जरूर कर लेते हैं। आगे बात करते हैं अगर हम इंग्लिश सेक्शन की, तो 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चंस, एरर ग्रामर और फिलर्स, इन सब 5 क्वेश्चन से इजी टू मॉडरेट था और ये भी आराम से आप क्वेश्चंस इसमें भी 30 पे क्वेश्चंस में वो भी आराम से आप 25 के आसपास कर सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें क्या पेपर का लेवल था, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स में अगर बात करें तो 20 से 22 28 अटेम्प्ट अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस में अगर आपने 25 से 29 किए हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझिएगा। और इंग्लिश में 30 में अगर 20 से 25 किए हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओवरऑल अगर इतने आपने किए हैं, इसके बीच में अगर आप अटेम्प्ट हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इतने अटेम्प्ट आप किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं। अब बात करते हैं अगर जितने अटेम्प्ट किए होंगे उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग जरूर होंगे तो कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो अब हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल अगर 73 से 75 क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझिए। निगेटिव कट करने के बाद ईडब्ल्यूएस के बच्चे 70 से 72, ओबीसी 68 से 70, एससी 64 से 66 और एसटी 62 से 64 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं इतने, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो रिजल्ट आपको बता दें कि जो न्यूज़ आई है वो बताई जा रही है कि रिजल्ट जो है वो सितंबर के सेकेंड वीक तक रिजल्ट आने की संभावना है। सेकेंड वीक के लास्ट में रिजल्ट आ सकता है क्योंकि अक्टूबर में इसका मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।